शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये क्या कर दिया आपने? सब कुछ कहने से पहले एक बार भी आपने रिचा के बारे में नहीं सोचा? मैं बहुत जल्द अपनी अंजलि को वापस लेने आऊंगा। दिल से तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन इतना तो तुम भी मानती हो ना कि प्यार के रिश्ते की बुनियाद झूठ और समझौते की नींव पर नहीं रखी जा सकती। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी, आखिर हमारी बचपन की दोस्ती है जो कभी नहीं टूटेगी, लेकिन प्यार मैं सिर्फ अंजलि से करता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे रिचा। हमें पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए हमने अलका को जल्द सगाई की अनुमति नहीं दी थी। यश और अंजलि की शादी जिन भी परिस्थितियों में हुई हो, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर धर्म के आधार पर ये दोनों विवाह के बंधन में बंधे थे। आज यश ने इस बंधन को अटूट मानकर धर्म की मर्यादा का पालन किया है, इसलिए हम भी यही चाहेंगे कि यश और अंजलि का यह अटूट रिश्ता कभी ना टूटे। सुना तुमने? सुना अंजलि, क्या कहा बड़े दादू ने? रिचा, रिचा, रुक जाओ यश, ये उनके परिवार का मामला है, उन्हें आपस में मिलकर विचार विमर्श कर लेने दो। बेटा, तुमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उन्हें मौका दो ताकि वो तुम्हारे निर्णय को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। रिचा, रिचा, हमारी बात तो सुन प्लीज। यश को किसी और गांव में मैं नहीं देख सकती। तू जानती है ना अंजलि, मैं यश को कितना प्यार करती हूँ, जानती है ना तू? जब रिचा, रिचा, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने कोई गलती नहीं करी। मरना तो इसे चाहिए जो तेरा हक ही नहीं है। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। जी, तुझे क्या लगता है तू मेरी रिचा से उसका यश छीन कर सुखी रहेगी? तूने मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाई है, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू। अलका,
अब एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? आपकी बेटी अपनी जान लेने जा रही थी, इसकी वजह से। क्या कर रही थी तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाता? सोच सर बेटा, शेष और अंजलि की जोड़ी जो है ऊपर वाले ने बनाई है। तभी तो हम सब ने मिलकर इन दोनों की खुद शादी करवाई। साहू जी ठीक कह रहे थे कि धर्म के अनुसार ये दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। बेटा, ये शादी का पवित्र रिश्ता कोई सुई के धागे की तरह नहीं होता कि जब चाहे जहां से तोड़ दो। बेटा, मैं भी एक पाप करने से बच गया। इन हाथों से कन्यादान किया था मैंने, और कन्या का दान करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता। तू अपने आप को दोष मत दे, क्योंकि तेरी तो कोई गलती ही नहीं है। गलती तो मैं करने वाला था, अपनी बेटी की सगाई तेरे पति से करने वाला था। अगर ये हो जाता तो तुम बहुत बड़ा आनंद हो जाता। ठंडे दिमाग से समझेगी ना तो तू समझेगी कि शादी के पवित्र रिश्ते का तूने मजाक बना दिया। धर्म के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तेरी मां ने, इसी की सजा मिली है तुझे। अब भी वक्त है, स्वीकार कर ले विधाता के बनाए हुए इस रिश्ते को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यश और अंजलि की शादी होनी थी जो हो गई। बेटा, तू भी अपने पूरे मन से इस पवित्र रिश्ते को स्वीकार कर ले। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। चलो बेटा, आज से तुम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। तेरी यश के साथ और तुम यश के बिना। एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।